भाई साहब बड़ा जोर लगाना पड़ रहा भाई, थोड़ा और लगाओ और जीत लो बाजी। हैं? ओए होए, डोले शोले देख के तो लग रहा है कि दो जबरदस्त पहलवानों की टक्कर है। OMG, ये तो लेडी बॉडी बिल्डर है और वो भी सॉलिड बॉडी वाली बिल्डर है डूड। दोस्तों मैं पहुंचा हूं कोलकाता यूरोपा से मिलने, जिन्होंने हमारे दिमाग में कोलकाता का नजरिया ही बदल दिया है। क्योंकि सौंदेश की सिटी में रहने वाली यूरोपा है इंडिया की यंगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर। सिर्फ 18 साल की यूरोपा पिछले 4 सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रही है और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने इंडिया की यंगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर का खिताब हासिल कर लिया था। पर बॉडी बिल्डर बनना यूरोपा का बचपन का सपना नहीं था। पहली बार जिम वो बस अपना वेट कम करने गई थी और इतना कम हो गया कि सूख के कांटा हो गई। I did not have intention to be a bodybuilder. I wanted to be fit and strong. फिर शुरू हुई इनकी ट्रेनिंग। फिर तो यूरोपा इतनी फिट हो गई कि 2017 में मिस एशिया रनर अप, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 2017 में थर्ड पोजीशन में, और ऐसे न जाने कितने ही कॉम्पिटिशन में अपनी ब्यूटीफुल मस्कुलर बॉडी से अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा चुकी हैं यूरोपा। सुनिए इस अमेजिंग बॉडी को मेंटेन रखने के लिए यूरोपा दिन भर में क्या क्या खाती है। In the morning, it would be like a whole bowl of oatmeal with banana. After that, I would be having a whole plate of rice and chicken and dal. Or towards the end of the day, I reduce my carb intake, but I still keep the protein like about the same. यूरोपा का सपना है कि वो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करें, और वो उसी के लिए ही दिन रात मेहनत करती हैं। उनकी आइडल भी ओलंपिया चैंपियन डाना लिन बेली ही हैं। यूरोपा के बॉडी बिल्डिंग के इस डिसीजन से सोसाइटी ने तो बातें बनाई, पर शुरुआत में घर वाले भी काफी खिलाफ थे। My parents and my closest friends, they thought I was crazy, and they were the ones who were really criticizing me. I detached myself from those people because they were demotivating me. It's not really the company I'd want to be in. वो कहते हैं ना कि कभी-कभी अच्छे फ्यूचर के लिए भी बगावत करनी पड़ती है, पर उसके लिए आपके डिसीजन होने चाहिए 100% एक्यूरेट और मेहनत होनी चाहिए 200%। और इसी मेहनत को देखकर अब उनकी मॉम भी उन्हें पूरा सपोर्ट करती है। Ever since I started making a name out of it, she follows me to every competition. Whenever I feel demotivated, my mom actually encourages me. She is really proud of me. उसका सपना है ओलंपिया में जाने के लिए, तो मैं भी चाहती हूँ वो जाए वहाँ पर। बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करना और उसमें इंडिया का नाम रोशन करने का जज्बा वाकई काबिल-ए-तारीफ है। एक अलग टाइप का ही क्रेज है उसमें कि बहुत बॉयज में भी नहीं होता। I really think you need to follow your heart. If you try to listen to the society, then you're not a bodybuilder because we bodybuilders are meant to be different. यूरोपा का सपना है मिस ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करना। I am sure वो दिन भी दूर नहीं जब इंडिया की ये अमेजिंग बॉडीबिल्डर बन जाएगी वर्ल्ड्स बेस्ट फीमेल बॉडीबिल्डर। ये मेरा